it greets everyone and we are back with one more fundamental analysis. And आज जो हमने कंपनी पिक किया है वो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड है. माइट बी अ क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आए, अगर जो मार्केट से इतना रिलेट नहीं करते हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई टाटा पावर कंपनी लिमिटेड. तो फर्स्ट रीजन फॉर इज दैट अप्रैल 2020 में, यानी कि ऑलमोस्ट एक साल पहले, ये स्टॉक जो है 30 रुपीज पर चला गया था. ओनली 30 रुपीज की प्राइस पर ट्रेड कर रहा था और अभी अगर आप करंट स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 98.85 का है, राइट. और लास्ट मंथ इसने अपना हाई लगाया था 114 का, ठीक है, और 114 एंड सम पैसा उसका हाई उसने लगाया था. तो दैट्स वाई जो इतनी ग्रोथ आई है. उसके अलावा ये पावर सेक्टर के अंदर और पावर सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म्स नए नए आ रहे हैं, उन सारे रीजंस की वजह से जो है हमने पिक किया है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को. तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये देखिए इतने सारे टैब्स जो यहाँ पे खुले हुए हैं. इस स्टॉक की थरली एकदम डीपली एनालाइज किया है इसको. तो इस वीडियो को गाइज एंड तक देखना क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बिजनेस का, कि किस तरीके से इसका बिजनेस ग्रो कर सकता है, क्यों ये स्टॉक अच्छा है या बुरा है, और फिर इसके फाइनेंशियल्स और इसके टेक्निकल्स, हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं. तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और हर एक चीज को अच्छे से समझिए, ठीक है गाइस. तो सबसे पहले तो इसकी हम बिजनेस की बात कर लेते हैं. फंडामेंटल्स, इसके जो फाइनेंशियल्स हैं उनमें जाने से पहले एक बार बिजनेस का आउटलुक मैं आपको बता देता हूँ. तो सबसे पहले बिजनेस इसका मेजरली 4 सेक्टर्स के अंदर है. पावर जनरेट करता है, पावर ट्रांसमिट करता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है. इंफ्रास्ट्रक्चर मींस उनके चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह, जो अभी आपने सुना होगा काफी दिल्ली में, अहमदाबाद में, जयपुर में, राजस्थान के अंदर और काफी बड़ी सिटीज के अंदर, मुंबई में इंस्टॉल हो रहे हैं. तो ये जो टाटा पावर कंपनी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देता है. पावर जनरेशन के अंदर इसके पास दोनों कन्वेंशनल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों के थ्रू जो ये पावर जनरेट करते हैं. थर्मल पावर जो है सालाना 8,800 मेगावाट की, हाइड्रो पावर 447 मेगावाट की, और वेस्ट हीट जो है 375 मेगावाट की. सोलर जो है 932 मेगावाट की पावर जनरेट करता है. टोटल 12,264 मेगावाट की जो है पावर को ये जनरेट करता है, राइट गाइस. तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा इसका बिजनेस है, कितना ब्रॉड इसका बिजनेस है, ठीक है. इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रा, तो टाटा पावर ने इंस्टॉल किए 289 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट अक्रॉस इंडिया 20 डिफरेंट सिटीज के अंदर, 289 से ज्यादा, ठीक है. और टू डेवलप इंफ्रा दे आर साइंड एमओयूज, इन्होंने साइन किए एमओयूज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किस किस के साथ, काफी सारी डिफरेंट कंपनीज के साथ. टू नेम दैट कंपनीज मैं अगर बात करूं तो वो है IOCL, HPCL, IGL और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. तो ये कर क्या रहे हैं, बेसिकली पेट्रोल पंप्स जो हैं उन्हीं पे जाके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो लगा रहे हैं, और इतनी सारी कंपनीज और इवन एक गवर्नमेंट के साथ भी जो है एक एमओयू इन्होंने साइन किया है. और चार्जिंग सॉल्यूशंस, कि किस तरीके से सॉल्यूशन को इजी और फास्टर बनाया जा सके, इसके लिए टाटा मोटर्स, एमजी मोटर्स, जगुआर लैंड रोवर, इनके साथ जो है इसने एमओयू साइन किया है, ठीक है. तो ये इसका बिजनेस प्रोस्पेक्टस है. मतलब आप समझ सकते हैं कि पावर के साथ साथ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंफ्रास्ट्रक्चर में अब इंटरेस्टेड है और वहीं पर जो है अपना सारा ध्यान दे रहा है. तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग CNBC की, टाटा पावर वर्क कर रहा है टेस्ला के साथ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए. मतलब कि किस तरीके से टेस्ला, क्योंकि आप जानते होंगे मेजरली जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बनाता है, मेजरली क्या सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है, तो उसके साथ वर्क कर रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने. उस चीज के अंदर इतना जो है डीपली नहीं गई है दोनों कंपनीज अभी, लेकिन फिर भी ये एक इन्फॉर्मेशन काफी है. अगर टेस्ला के साथ ये ऑपरेट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली कंपनी है, तो दोनों के लिए ये जो बिजनेस हैंड इन हैंड जाता है, क्योंकि ऑलरेडी टाटा मोटर्स या जगुआर या लैंड रोवर जो बनाता है वो तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा पावर से ही जनरेट करेगा, आफ्टरऑल टाटा ग्रुप की कंपनीज है सारी. तो अब क्या वेज है जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर आपको ग्रोथ दिखनी चाहिए. रिन्यूएबल एनर्जी, 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट है 500 गीगाहर्ट्ज़ रिन्यूएबल एनर्जी से लाना,
और ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर की एक बहुत ही बड़ी प्लेयर है। सिर्फ दो तीन कंपनियां, और मेजरली टू नेम देम अडानी ग्रीन, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इसकी पीयर्स है। तो ऑब्वियसली अगर इतनी रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट जनरेट करने जाएगी तो कुछ तो इनको भी मिलेगा ही उसके अंदर से जनरेट करने के लिए, तो बिजनेस एक्सपांड उस वजह से हो सकता है। कोल बेस्ड पावर जनरेशन जो है 199 गीगावाट का करता है और होता है टोटल इंडिया के अंदर। 47 गीगावाट्स का एडिशन कैपेसिटी 2022 तक जो है करने का गवर्नमेंट ने प्लान किया। 199 गीगावाट्स का ऑलरेडी होता है इंडिया के अंदर, और 47 एडिशनल कैपेसिटी जो 2022 तक बढ़ानी है। और ये ऑब्वियसली कोल बेस्ड एनर्जी डेवलप करता है टाटा पावर, तो ऑब्वियसली इसके लिए उसके अंदर एक जो है फायदा है। टोटल एनर्जी जो इंडिया को चाहिए उसकी 18% रिन्यूएबल सोर्सेस से आती है अब तक, और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 44% उसके अंदर से 2030 तक आनी चाहिए रिन्यूएबल से। तो ऑब्वियसली एक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और राइट नाउ अगर बात करें तो 1% से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है यूज होते हैं इंडिया के अंदर। एक्सपर्ट्स की माने तो ये नंबर जो है 5% तक बढ़ने वाले आने वाले 2-3 सालों के अंदर। तो फिर देखिए इनको फायदा है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो ये चार्जिंग पॉइंट्स बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। और उसके अलावा आप देखें तो क्योंकि ये उस वैल्यू चेन में इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंक्लूडेड हैं, इस वजह से जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकेंगे उतना इनको फायदा होना ही है। तो ये तो सारी बात रह गई कि कंपनी के जो वे टू ग्रोथ या जो अच्छी चीजें कंपनी के बारे में वो। अब एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर अपन देखें तो आप देखेंगे कि एक चीज जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा कंसर्निंग लगी वो उसके अंदर एक चीज थी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वो है टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स की ग्रोथ नहीं इतनी दिख रही मेरे को यहाँ पर, जो एक कंसर्निंग चीज है। ऐसी कंपनी जो कि पावर जनरेशन के अंदर है, उनको अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए तो असेट्स लगेंगे, टेंजिबल असेट्स लगेंगे। अगर सोलर प्लांट सब लगाएंगे, हाइड्रो प्लांट सब लगाएंगे, असेट्स लगेंगे, पर इनके असेट्स की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं इस तरीके की कंपनीज जिसके अंदर हैवी मशीनरी यूज करने वाली, एक चीज हमेशा हमेशा ध्यान रखता हूँ कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने टेंजिबल असेट्स के ऊपर। असेट्स बढ़ाएंगे तभी तो आप जो है अपने बिजनेस का स्केल बढ़ा सकते हैं। अच्छा ठीक है, उस चीज को अगर मूव करें, टोटल असेट्स बढ़े हुए दिखते हैं लेकिन उसके पीछे रीजन जो है ना वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ा है पर सब्सटेंशियली नहीं बढ़ा है, और पहले तो 418 पे था ही, उससे पहले जो है 2000 अगर हम बात कर रहे हैं आई थिंक 17 की, तो 17 में अगर आप देखेंगे तो 17 के अंदर तो 666 का था। तो ऑब्वियसली अभी तक तो ये गिर ही रहा है, तो ये कंसर्निंग चीज है। लेकिन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी देखेंगे आप तो इतने बड़े नहीं है। अब अगर अपन एक बार लाइबिलिटीज की तरफ मूव करते हैं तो लाइबिलिटीज बड़ी है कंपनी की। ठीक है, आप ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है कंपनी की बड़ी। अब वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर बड़ी है और उन बड़ी भी लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग से री इन्वेस्टमेंट टेंजिबल असेट्स में नहीं हुआ है, तो वो पैसा गया कहाँ? तो ऑब्वियसली कंपनी ने अपने कोई ना कोई एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए ही वो जो है पैसा लिया, या फिर ये देखिए थोड़े इन्वेंट्रीज भी इनकी बड़ी है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत पैसा इधर लगाओ, पर मेजरली तो ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हैं कि एक्सपेंसेस कंपनी ने अपने पे किए, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। एक कंपनी अगर अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेके एक्सपेंसेस पे कर रही तो एक वो बहुत बुरी चीज है। उसके अलावा कंटिंजेंट लाइबिलिटीज जो है कम हुई है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो मोटा मोटी जो इसका बैलेंस शीट है वो ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं है। दो चीजें जो कंसर्निंग है मैंने आपके साथ शेयर करी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो बढ़ी हैं पर टेंजिबल असेट्स नहीं बढ़े हैं, मतलब री इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म असेट्स पे नहीं हुआ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेके, जो कि एक गलत बात है। अगर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है मेजरली कंपनीज तभी प्रेफर करती हैं जब उन्हें लॉन्ग टर्म असेट्स खरीदने हो, पर इन्होंने नहीं किया तो एक कंसर्निंग चीज वो है। अब अगर हम मूव करें इनके इनकम स्टेटमेंट के टूवर्ड्स तो आप देखेंगे कि इनकी इनकम कितनी सब्सटेंशियली फॉल हुई है कंपेयर टू 19। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड में आप देखेंगे कितना सब्सटेंशियल फॉल आया, और सब्सटेंशियल फॉल के पीछे जो रीजन है मैं आपको दिखाता हूँ, वो रीजन है ये एक्सेप्शनल आइटम्स। यहाँ देखिएगा आप 19 से पहले अगर आप 20 की बात करें, 18 की बात करें सॉरी, तो वहां पे भी एक एक्सेप्शनल जो है यहाँ पर फॉल हमें देखने को मिला था, और उसके पीछे रीजन जो है वो एक्सेप्शनल आइटम्स ही थे। तो इसलिए थोड़ा डिग इन किया मैंने चेक करने के लिए कि एक्चुअल में एक्सेप्शनल आइटम्स हैं क्या। तो ये देखिएगा एक्सेप्शनल आइटम्स जो है इन्होंने यहाँ पर डाले हैं, जनरेशन से, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। और ये क्या है मैं आपको इनके नोट्स में ले जाकर दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या है। नोट नंबर 4 के अंदर चीज, विद रेस्पेक्ट टू स्टैंड बाय लिटिगेशन विद अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, अडानी इलेक्ट्रिसिटी
The Honorable Supreme Court during the year ended 31st March 2020 has upheld Appellate Tribunal for Electricity order dated 20 December 2006. Consequently, the company has recognized an expense of 276 crore for the year ended 31st March 2020. So my God, 276 करोड़ रुपीस का इनको एक लीगल रीजन के चलते जो है एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ा. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 द कंपनी हैज रिवर्स्ड प्रोविजन ऑफ 235 करोड़ फॉर फाइनेंशियल गारंटी ऑब्लिगेशन इंपेयरमेंट टुवर्ड्स इट इन्वेस्टमेंट होली ऑन सब्सिडियरी टाटा पावर इंटरनेशनल पीटी लिमिटेड. तो इन्होंने रिवर्स किया है, पर आप यहां पर एक चीज देखेंगे, मैं आपको फिर ऊपर ले जाकर एक चीज दिखाता हूं कि नोट टू भी जो है अलोकेबल है. तो वो जो इनको रिवर्स करा इन्होंने प्रोविजन वही अलोकेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, पर्सुएंट टू द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 व्हिच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 डोमेस्टिक कंपनीज हैव द ऑप्शन टू पे इनकम टैक्स एट 22% प्लस एप्लीकेबल सरचार्जेस एंड सीज. न्यू टैक्स रिजाइम सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन बेस्ड ऑन द कंपनीज असेसमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ ट्रांजिशन टू न्यू टैक्स रिजाइन. तो ओवरऑल 275 करोड़ रुपए आफ्टर एडजस्टिंग क्रेडिट राइट ऑफ एंड 98 करोड़ रुपए पर्टेन टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड 176 करोड़ फॉर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन बिजनेस. तो इन ऑल 275 करोड़ रुपीज का यहाँ पर और एक्सेप्शनल आइटम जो इन्होंने नोट किया है. राइट, तो मोटा मोटी एक्सेप्शनल आइटम जो है 957 करोड़ रुपीज तक इनके पहुंच गए. ये रीजन है एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से लॉस हो रहा है, तो होपफुली फ्यूचर के अंदर नहीं होगा इतना, तो नहीं होगा इतना. पर बात यही है कि इसके इनकम स्टेटमेंट की बैलेंस शीट देखिए एक बार, इसके रेशियोज भी देखें. तो रेशियोज भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो ठीक है, कंसिस्टेंट है, ज्यादा चेंज रेशियोज के अंदर नहीं आया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है. कंपनी वही अच्छी है ना जिसकी जो सारी पॉजिटिव चीजें वो बढ़ती रहे, रिटर्न ऑन असेट्स थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए. पर यहाँ आप देखेंगे कुछ ज्यादा खास जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर जो है चेंजेस आते नहीं है. मतलब ग्रोथ कहाँ है, ग्रोथ नहीं है इस कंपनी के अंदर अभी तक. इस कंपनी ने इतनी ग्रोथ नोट नहीं करी और ये चीज इसकी प्राइसेस भी दिखाती है. मेन रीजन यही था कि इसकी प्राइसेस जो इतनी बुरी तरीके से अप्रैल 2020 के अंदर डंप हो गई थी कि ऑब्वियसली जब शेयर मार्केट उस टाइम के आसपास जब गिरा था तो सारी कंपनीज ने एक बड़ा हिट लिया था. पर ऐसी कुछ कंपनीज थी जो वैसे ही नॉन परफॉर्मिंग थी तो उनको कुछ ज्यादा ही हिट मिला. यहाँ पर आप देखेंगे अप्रैल 2020 के अंदर आई थिंक ये लोवेस्ट रहा होगा, तो इसका लो है जो 27 रुपीस तक जो हिट हो गया था ये स्टॉक, और वहां से बढ़कर अभी वापस ऊपर गया है. ऊपर जाने के पीछे रीजन ये है कि एक बार तो देखिए कि इतना सारा जब इसके अंदर डाउनफॉल आया है तो थोड़ा रिकवरी वैसे ही एक्सपेक्टेड रहता है. दूसरा जो रीजन है जो गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इतनी सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग लेकर आ रही है और इतने सारे डिक्लेरेशन हो रहे हैं और ये कंपनी उस सेक्टर के अंदर है, तो थोड़ा एक पॉजिटिव मूव तो देखने को मिलता है. पर अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आए. प्रॉफिट नहीं कमा पा रही ये कंपनी, और अपने असेट्स में भी अगर इन्वेस्ट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली बिजनेस कैसे बढ़ेगा. गवर्नमेंट तो प्रोजेक्ट्स लाती रहेगी अलग अलग, बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं ईवीज वगैरह की वजह से, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इंफ्रा की वजह से आते रहेंगे. पर अगर आपके पास असेट्स ही नहीं होंगे तो आप कैसे जो है कर पाएंगे, और या फिर आपके पास असेट्स हैं तो मतलब वो अनयूज्ड असेट्स हैं, आपने जबरदस्ती पैसा खरीद के अपना जो है कैश अटका रखा है जिसको आप बेटर कहीं और यूज कर सकते हैं. तो ओवरऑल मुझे इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं समझ में आए हैं, अच्छे नहीं लगे हैं मेरे कहने का मतलब. और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी अभी काफी हैवीली ओवरप्राइज्ड है. लुकिंग एट इट्स फाइनेंशियल, उसके टेक्निकल्स भी ये दिखाते हैं. देखिए ऊपर चढ़कर आई, पर मार्च के मंथ के अंदर ये जो है ना ये है शूटिंग स्टार. ठीक है, ये जो कैंडल है ये शूटिंग स्टार एक बेरिश कैंडल होता है जो अप ट्रेंड को रिवर्स करता है. और उसके बाद में हमने जो है अप्रैल मंथ में देख ही लिया है कि वापस जो क्लोजिंग नीचे आ गई, एक बेरिश कैंडल बन गई है. तो आई एम होपिंग कि ये शेयर करंटली ओवर वैल्यूड है, एंड आई डोंट थिंक कि जस्ट बिकॉज फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ला रही. तो अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ला रही तो अडानी ग्रीन, अडानी पावर ऐसी बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास अच्छा पैसा भी है और एक्चुअल में कंपनी ऑपरेट करना भी चाहते हैं. तो आई एम बिट डिसअपॉइंटेड बाय द टाटा ग्रुप कि इस कंपनी को इतनी अच्छी तरीके से नहीं ऑपरेट किया जा रहा है. पर आई डोंट थिंक सो कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द टाटा पावर. यू शुड वेट, इसका स्टॉक थोड़ा नीचे आ जाए, 50-60 के रेंज में, या फिर आई वुड से 60-70 के रेंज में वो उसकी करेक्ट वैल्यू रहेगी शेयर की. उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही. और आई एम होपिंग कि अपकमिंग मंथ के अंदर, मींस जो मई स्टार्ट हो गया है, मई के अंदर ये स्टॉक उस रेंज के अंदर आ जाएगा, क्योंकि बेयरिश साइंस हैं अपने
चार्ट्स के ऊपर भी और बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स तो आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल. सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो एवरीवन. आई होप यू अंडरस्टूड बिकॉज इस पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को उठा के बात करने के पीछे रीजन जो था वो ये था कि ये भी काफी शेयर मार्केट के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड चीजें हो रही है तो लोग जो हैं पावर सेक्टर की कंपनी को प्रेफर कर रहे हैं. पर आई जस्ट वॉन्टेड टू अवेयर यू गाइज कि हर कंपनी जो पावर सेक्टर के अंदर अच्छी नहीं हो सकती. जैसे ये कंपनी इज नॉट दिस कंपनी इज नॉट डूइंग एनी ग्रेट. मे बी पॉसिबल इस वीडियो के बाद इस कंपनी को चेंजेस लाए तो आप उन चेंजेस को ट्रैक करिए. मैं भी आप लोगों को अपडेट दूंगा अगर ऐसा कोई मेजर चेंज मुझे दिखता है इस कंपनी के अंदर कोई अगर चेंज रिफॉर्म्स लेकर आते हैं तो. अनटिल लेस इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो दिस इज नॉट द राइट टाइम. दिस शेयर प्राइस इज डेफिनेटली ओवर प्राइस्ड. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन. आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू. सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल गाइज. प्लीज डू सपोर्ट अस. फ्यूचर के अंदर ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा. थैंक यू सो मच गाइज.